दोस्तों, यूं तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छे तरीके की बात की जाए तो वो यही है कि व्यक्ति खुद ही इंश्योरेंस के लिए अवेयर हो जाए, जिससे कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है बहुत ही आसानी से बिक जाए। तो यदि आप किसी को इंश्योरेंस के लिए अवेयर करना चाहते हैं तो देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस के लिए अवेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्हीं बातों में से मैं आपको एक शानदार बात बताने वाला हूँ, जो बात आप किसी भी व्यक्ति के सामने यदि सही से रख देंगे तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से इंश्योरेंस के लिए अवेयर हो जाएगा और आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए खरीद लेगा। तो यदि आप किसी को इंश्योरेंस के लिए अवेयर करना चाहते हैं, जीवन बीमा का महत्व बताना चाहते हैं, तो आप बातों ही बातों में किसी भी व्यक्ति से कह सकते हैं, भैया जो एक मोमबत्ती का दिया होता है वो दो चीज़ें देता है, एक रोशनी और एक गर्मी। उसी तरह से आपका होना आपके परिवार में दो तरह की सुरक्षा देता है, एक आर्थिक एक भावनात्मक। अब भैया जब दिया बुझ जाता है तो ये जो रोशनी है और जो गर्मी है दोनों ही खत्म हो जाती हैं, दोनों ही गायब हो जाती हैं। उसी तरह से भैया आपके ना रहने पर आपके परिवार में जो आपने सुरक्षा दे रखी थी, एक आर्थिक एक भावनात्मक, ये दोनों ही तरह की सुरक्षा आपके परिवार से खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। अब भैया देखा जाए तो आपके परिवार में जो आपकी भावनात्मक कीमत है, यानी जो आपने भावनात्मक सुरक्षा आपके परिवार को दे रखी थी, उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, क्योंकि आप आपके परिवार के लिए अनमोल हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन भैया आपके परिवार में जो आपकी आर्थिक कीमत थी, आर्थिक सुरक्षा थी, इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपके परिवार में आपकी आर्थिक सुरक्षा है, इसकी पूर्ति किस तरह से की जा सकती है, इसके लिए क्या करना होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके परिवार में आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता है ही क्यों। तो देखा जाए तो आज आप जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उस पैसे से ही आपके घर के जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का किराया है, घर के जितने भी बिल वगैरह होते हैं, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी आपके घर का खर्चा है, उन्हीं पैसों से मैनेज होता है, जो आप हर महीने कमा कर ला कर देते हैं। लेकिन आपके ना रहने पर आपके परिवार को जो ये पैसा हर महीने मिलता था घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए, ये मिलना बंद हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपके परिवार में जो आपकी आर्थिक सुरक्षा थी, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब आप ही एक बार विचार करके देखिए कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, लेकिन कभी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और आपके परिवार को ये जो पैसा आप ला करके देते थे, ये मिलना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपके परिवार को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? तो भैया आपके बच्चों की स्कूल की जो फीस है वो कहाँ से जमा होगी? आपके बूढ़े माँ बाप के जो मेडिकल के खर्चे वो कहाँ से पूरे होंगे? आपके घर में जो भी छोटे बड़े खर्चे होते हैं उन्हें किस तरह से पूरा किया जा सकेगा? यानी आपके परिवार में जो भी छोटे बड़े खर्चे होते हैं उन्हें किस तरह से आपका परिवार पूरा कर सकेगा? अब शायद हो सकता है कि आपके परिवार में से किसी न किसी को काम करना पड़े, आपकी वाइफ को बाहर जाकर काम करना पड़े, या आपके बूढ़े माँ बाप में से किसी को काम करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों की स्कूल है वो भी छुड़वा दी जाए और उन्हें भी कहीं ना कहीं दुकान वगैरह पे काम करना पड़े, क्योंकि आगे का जीवन जो है वो बिना पैसों के तो नहीं गुजारा जा सकता, क्योंकि जितने भी छोटे व बड़े खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को मैनेज करने के लिए पैसा तो चाहिए, और पैसा तभी आएगा जब कोई व्यक्ति कुछ काम करेगा तो ही इनकम आएगी। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे रखी थी आपके रहते हुए, आप चाहो तो आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को जो ये आर्थिक सुरक्षा आपने दी थी ये कायम रह सकती है। यानी जो पैसा आप कमाकर लाकर देते थे ये पैसा आपके परिवार को कंटिन्यू मिल सकता है घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए, जब तक आपका परिवार रहेगा तब तक ये पैसा मिलेगा। और भैया देखा जाए तो आपके परिवार में जो आपकी आर्थिक कीमत है, यानी जो आपने आर्थिक सुरक्षा दे रखी है, यदि आप इसे सुरक्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही साधन है जिसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो भैया एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आप अपने परिवार की जो ये आर्थिक सुरक्षा है इसे सुरक्षित रख सकते हैं, यानी भगवान ना करे कभी आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, और यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है तो आपके परिवार को उतना पैसा मिल जाएगा, जो पैसा यदि आपका परिवार बैंक में भी रखेगा तो जो उसका ब्याज होगा साल का वो उतना ही होगा जितना कि पैसा आप कमाकर लाकर देते थे, जिससे कि घर के हर छोटे बड़े खर्च बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाते थे। तो यदि आप अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपकी जो आर्थिक कीमत है इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। तो बताइए भैया, क्या मैं आपको एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी देकर आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता हूँ? अब दोस्तों, जब इस तरह से आप किसी व्यक्ति से बात करोगे तो उसे इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस का एहसास होगा, उस व्यक्ति को लगेगा कि हाँ यार इंश्योरेंस बहुत आवश्यक है, मुझे इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, और यदि इंश्योरेंस नहीं लूँगा तो मेरे परिवार को भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना
करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से आपको मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे देगा और मीटिंग में जा करके आप उसे बहुत ही आसानी से एक इंश्योरेंस प्लान बता सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपको इंश्योरेंस प्लान बताना है वो आपको उस व्यक्ति को इसी तरह से बताना है कि यदि वो व्यक्ति ये इंश्योरेंस प्लान ले लेता है तो उसका परिवार वाकई पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा, यानी उसके ना रहने पर भी उसके परिवार को उतना पैसा मिलता रहेगा जितना कि वो अपनी फैमिली को कमाकर लाकर देता था, जिससे कि घर के सारे खर्चे मैनेज हो जाते थे। तो ये तो हुआ एक तरीका। यदि इसके अलावा भी आप उस व्यक्ति को इंश्योरेंस के लिए अवेयर करना चाहते हैं कुछ दूसरी बात कह के, तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं, भैया आपने आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट होते देखे ही होंगे। अब ज़्यादातर कंडीशन में हर व्यक्ति आपको यही कहेगा कि हाँ हमने एक्सीडेंट देखे हैं। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि हाँ मैंने तो कोई एक्सीडेंट होते नहीं देखा, तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं, आपने टीवी में तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होते देखा ही होगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हर व्यक्ति आपको हाँ ही कहेगा, बोलेगा हाँ मैंने देखा है। तो इसके बाद आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया जब भी कोई सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जिस जगह पर एक्सीडेंट होता है वहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो देखा जाए तो वो जो भीड़ है वो एक दुनिया है, और वहाँ पर जो आदमी पड़ा हुआ जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो एक व्यक्ति है। तो देखा जाए तो वो जो भीड़ है यानी दुनिया है, दुनिया के लिए वो एक व्यक्ति है। लेकिन जब कोई पुलिस वाला उसके घर फोन लगाता होगा, फोन उसकी बीवी उठाती होगी, और पुलिस वाला जब उसकी वाइफ से कहता होगा कि फलानी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति की हमें डेड बॉडी मिली है वो आपके घर का है और इस डेड बॉडी को हम फलाने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप वहाँ पर आ जाइए। तो देखा जाए तो जब पुलिस वाला इस तरह की बात उसकी वाइफ से करता होगा तो उसकी वाइफ के मन में क्या बात आती होगी, उसके दिमाग में सबसे पहले कौन सा विचार आता होगा। तो भैया आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उस वाइफ के मन में जो विचार आएगा वो यही आएगा कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, यानी उसके दिमाग में सबसे पहले बात यही आएगी कि मेरी तो दुनिया ही तबाह हो गई। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया हो। तो क्या भैया आपके परिवार की जो ये दुनिया है पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित है, यानी भैया भगवान ना करे कल को आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। तो भैया क्या आपने अपने परिवार की दुनिया को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया हुआ है? यदि किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो आज ही अपने परिवार की दुनिया को पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित कीजिए। और इसे आप एक ही चीज से सुरक्षित कर सकते हैं जिसे कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या भैया आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपने परिवार की दुनिया को सुरक्षित करना चाहेंगे? अब दोस्तों जब आप इस तरह से किसी व्यक्ति से बात करोगे, इस तरह से उसे इंश्योरेंस के लिए अवेयर करोगे, तो ज्यादातर कंडीशन में लोग आपको हाँ ही कहेंगे। आपको बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और मीटिंग में जाके उन्हें आप बहुत ही अच्छा एक इंश्योरेंस प्लान बता सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति की जो दुनिया है पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति को इस तरह से इंश्योरेंस के लिए अवेयर कर देंगे, एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस प्लान बता देंगे उसके परिवार की दुनिया को सुरक्षित करने के लिए, तो ज्यादातर कंडीशन में लोग आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ही लेंगे।